हमारे साथ 63 साल के युवा खड़े हैं जो अपने पैरों से भारत के मानचित्र को नाप रहे हैं। गंगा जहां से शुरू होती है, जहां खत्म होती है, वहां तक ये पैदल जा रहे हैं। सितंबर में निकले थे, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फर्स्ट वीक में हम गंगा सागर पश्चिम बंगला में पहुंच जाएंगे। हाँ। पूरा 2000 किलोमीटर। हाँ, 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर, बाप रे। देश की माटी पर गर्व है जो अपने कोख में ना जाने कितने बच्चों को पाल रही है, जो ना जाने कितने सपने सजो रहे हैं। सर्द में जब आप अपने घरों में गर्म रजाई में होंगे, तब आपको ये 63 साल के युवा रोड पर पैदल चलते नजर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। अपनी चुनावी चक्का सड़कों पर दौड़ रही है बिना थके बिना रुके। हम ऐसे ही सड़कों पर दौड़कर एक विधानसभा से दूसरी विधानसभा पहुंच रहे थे, तभी मैं एक इंसान को देखती हूं जो अपने बैग पर तिरंगा लेकर पैदल चल रहे हैं। मैंने सोचा कि कौन है, क्या है, ये समझने के लिए हमने गाड़ी रोकी। और जब इनके बारे में पता चला तो हैरानी होने लगी कि एक इंसान जो अपने पैरों के दम पर इंडिया के मैप को एक कोने से दूसरे कोने तक पहुंचा रहा है। हम आप जो है कह रहे हैं डिजिटल दुनिया में अब दुनिया छोटी सी हो गई है, आप यहाँ बैठकर एक कोने से दूसरे कोने में लोगों से बात कर सकते हैं। ये आधुनिक ज़माना है। उसी आधुनिक ज़माने में हमारे साथ जो इंसान बैठे हुए हैं वो पैदल चलकर एक कोने से दूसरा कोना नाप रहे हैं, एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं। उत्तराखंड से निकले हैं, बंगाल जा रहे हैं, पता नहीं कितना किलोमीटर है, मुझे पता तक नहीं है। अभी आप बताएंगे। और कितने दिन से ये अनायास चल रहे हैं, बहुत दिनों से चल रहे होंगे, लेकिन अभी कहाँ तक पहुँच पाए हैं, कितनी थकान है, ये पूछना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि एक हफ्ते से हम जिस चुनावी चक्का को लेकर चले हैं उसमें ये हो रहा है कि थक गए, अब वापस घर चलते हैं, एक थोड़ा आराम करेंगे, फिर दोबारा अपनी चुनावी चक्का को आगे बढ़ाएंगे। नमस्कार। हाँ। हिंदी आती है आपको? हाँ, हिंदी आती है। आती है। हाँ। नाम क्या है आपका? मेरा नाम संचित दास। संचित दास। हाँ। उम्र कितनी होगी आपकी? उम्र 63 प्लस। 63 प्लस। हाँ, मतलब अगर बात की जाए तो आंकड़ों में आप बूढ़े हो चुके हैं। हाँ, क्योंकि जो 60 प्लस होते हैं उन्हें पेंशन दिया जाता है, माना जाता है वो बूढ़े हो चुके हैं। मैं बूढ़ा हो गया, लेकिन मेरा दिल, मेरा शरीर इतना फिट है, जवान से भी अच्छा है। अभी आपके घर, अपने परिवार, बच्चों के बारे में कुछ थोड़ा बताइए। मेरा परिवार में 2 बच्चा है, एक लड़का है वो मैकेनिकल इंजीनियर, और एक लड़की है वो बीए थर्ड ईयर फ्रेंच लैंग्वेज ऑनर्स के पढ़ता है, और मेरा बीबी हाउसवाइफ। यही मेरा सुखी परिवार है। बच्चे तो पढ़े लिखे बहुत एजुकेटेड है, आपके बच्चे पढ़े लिखे बहुत एजुकेटेड है। हाँ, और मेरा लड़का मैक्सिको में काम करता था 4 साल। हाँ, अभी 2019 में नौकरी छोड़ के इधर वेस्ट बंगाल का दुर्गापुर सेफ्टी इंजीनियरिंग अभी पढ़ रहा है। क्या मैसेज दे रहे हैं लोगों को, कहाँ ये इतना भारी बैग लेकर रोडों पे चल रहे हैं? हम यही मैसेज देना चाहिए, वी वांट ए पॉल्यूशन फ्री सोसाइटी, हम चाहते हैं प्रदूषण मुक्त समाज, यही मैसेज आम जनता को हम दे जाते हैं। लेकिन आप तो कुछ बोल नहीं रहे हैं, मुंह बंद करके अकेले आप जो है पैदल हाईवे पे चले आ रहे हैं। किसी को आप बात करेंगे बताएंगे तभी तो लोग समझेंगे। आदमी जब हमको पूछेगा तब हम बोलेगा, हाँ, नहीं पूछेगा तो उसको हम बोलने से उसको दिमाग में नहीं आएगा। हाँ, जो हमके देख के हमारा पास में आएगा, हाँ, वही समझाएगा, कुछ तो उसका अंदर में घुसेगा। हाँ। 100 आदमी के हम बोलने से एक आदमी जो एक काम करेगा तो इंडिया में 130-135 करोड़ लोग है, आदमी है, उसमें तो कितना आदमी काम करेगा बोलिए तो। अपने बैग पर तिरंगा लटका कर चले आ रहे थे, काफ़ी देर तक हमने इन्हें देखा, और फिर हमने सोचा कि बात करके आपको भी बताएंगे। जूते पूरी तरीके से फट गए हैं, अभी ये भी पूछना है कि कितने दिन से यात्रा शुरू हुई, अभी कहाँ तक पहुँचे, यात्रा कब से शुरू हुई आपकी? 30 सितंबर गोमुख, जहाँ गंगा उत्पत्ति होता है वहाँ से हम निकला, स्टार्ट किया, ओपनिंग सेरेमनी किया,
अभी 2 महीना हो गया पूरा अब इधर आया और गंगा सागर जाने से और 1 महीना 4-5 दिन लगेगा। सितंबर में निकले थे, अक्टूबर नवंबर, जनवरी फर्स्ट वीक में हम गंगा सागर पश्चिम बंगला में पहुंच जाएंगे। हाँ। पूरा 2000 किलोमीटर। हाँ, 2000 किलोमीटर। 2000 किलोमीटर, बाप रे। एक दिन में कितना किलोमीटर चलते होंगे? एक दिन में 22-25 किलोमीटर मैक्सिमम। 22 किलोमीटर एक दिन पैदल? कैसे रास्ते कैसे पता चल रहे हैं आपको? मोबाइल से पता चलता है रास्ता। गूगल मैप। और ये कैसे पता चलता है कि इतना दूर चल चुके, 20 या 22 किलोमीटर हो चुका है, ऐसे कैसे? वो तो मोबाइल गूगल से मैप से पता चलता है। थकान नहीं बोलती है कि अब ये आज का कोटा पूरा हो गया, इतना दूर चल चुके? नहीं, पैर तो बताता होगा ना कि अब इतना दूर हो गया, थक गए ऐसा नहीं है, है? कभी कभी 27-28-30 भी हो गया। अच्छा, ऐसा है। जैसे हरसिल से गंगनानी 31 किलोमीटर पूरा हमें एक दिन में आया। अरे बाप रे, जहाँ से गंगा शुरू होती है और जहाँ गंगा खत्म होती है, विलय होती है, वहाँ तक आप पैदल जाएंगे? हाँ, पूरा 2000 किलोमीटर पूरा पैदल ही जाएंगे। तो ये गंगा की सफाई का मिशन है, ये मिशन क्या है आपका? एक गंगा हम चुना है, कोई धार्मिक जैसे नहीं है, ये चुना है। मेरा घर नदी का किनारे है, हम नदी हिसाब से चले। जो वाटर पोल्यूशन, रिवर पोल्यूशन, प्लास्टिक पोल्यूशन, ये पूरा नदी का किनारे किनारे होता है, इसीलिए हम गंगा नदी को चुना है। अभी तक जब से आप निकले हैं, तब से आप किसी भी गाड़ी पर नहीं बैठे ना, पैदल ही चल रहे हैं? हमने भी रिक्वेस्ट की कि आइए थोड़ा आपको थोड़े दूर तक ले चलते हैं, कौन देख रहा है, कैसे पता चलेगा किसी को? बहुत आदमी हमके बोला है, ठीक है, हमारा पीछे बैठो, बाइक लेके, हाँ, गाड़ी लेके बोलते बैठो जी, नहीं नहीं, ये यात्रा पैदल के लिए, गाड़ी जाने से कितना आदमी हम मिल सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 आदमी, और पैदल जाने से हज़ार लाखों आदमी से हम मिल सकते हैं, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इसी जब से आप आ रहे हैं, तब से कितने लोगों से आपकी मुलाकात हुई, जो लोग खुद से इच्छा लेकर आपसे पूछने आए कि कहाँ जा रहे हैं, ऐसा कितना लोगों ने पूछा अभी तक? ज़्यादा से ज़्यादा 2500 से 3000 आदमी ने पूछा है। जिनको पता चल रहा है वो क्या कह रहे हैं? जिनको पता चल रहा है कि आप इतनी बड़ी यात्रा पैदल कर रहे हैं, तो उनके मतलब आप बता रहे हैं, फिर इधर से क्या प्रतिक्रिया क्या आ रही है, लोग क्या उसको हम इंटरव्यू लिया है, उसको कमिटमेंट किया है, हम ये प्रदूषण समाज ये काम करेगा, हमको कमिटमेंट किया, एवं रिजल्ट भी मिला है। बहुत आदमी ने हमको फ़ोन किया है, जे दादा, बंगला दादा, हम स्टार्ट कर दिया, ये जो प्लास्टिक पोल्यूशन उसको ऊपर हम ज़्यादा से जोर देता है। ये प्लास्टिक पोल्यूशन का एक हम 20-25% ये हमारा हाथ में कंट्रोल रहा है। आप बोलेगा कैसे, तो हम बोलेगा घर में जो कैरी बैग बाहर से आता है, और घर में तो पुराना वाटर बोतल है, तो हम पुराना वाटर बोतल वो कैरी बैग हम डाल सकता है, डालते डालते जब टाइट हो जाएगा वो टाइट करके घर का कि बाहर का एक किनारे में रख देगा, जब 20-25 तो हो जाएगा हम गार्डन का डेकोरेशन भी कर सकता है, कि हमारा आइडिया में जो डेकोरेशन है वो हम कर सकते हैं। और एक हम जब मार्केट में कि मैं शॉपिंग मॉल में जाएगा, हम घर से थोले कि मैं बैग लेके जाएगा, बाहर से हम कैरी बैग नहीं आना चाहिए। एक लोग ये जो आप बता रहे हैं, ये हमें भी पता है और सबको पता है, लेकिन लोग इसे अपनी ज़िंदगी में उतार नहीं रहे हैं। मैं आपसे पूछ रही हूँ, जब आप लोगों से बताते हैं कि आप 200 किलोमीटर की यात्रा पैदल कर रहे हैं, तो लोग फीडबैक में क्या कहते हैं आपसे? फीडबैक में बोलता है ठीक है, अच्छा है, ऐसा बोलता है, लेकिन 100 आदमी से 1-2 आदमी तो करेगा ही, है, और बहुत फीडबैक मिला। आप चाहते हैं कि लोग आपकी तरह पैदल यात्रा करके लोगों को मैसेज दें? नहीं नहीं, वो नहीं है। हाँ। जिसका अच्छा, अलग कैरी बैग इस्तेमाल करना बंद। कैरी बैग है सर। हाँ। कैरी बैग कैसे कंट्रोल है, यही चाहिए, यही हम पैदल जाता है, वो भी पैदल जाए, वो नहीं। लोग ये नहीं सोच रहे कि कोई मतलब, आपको किसी ने ये नहीं कहा कि कोई मतलब नहीं है, इससे कुछ नहीं होने वाला? बहुत बोलता है। कहाँ रुकते हैं आप? मंदिर में, पुलिस थाने में, ढाबा में, और बस स्टैंड में, रेलवे स्टेशन में।
आपके बैग में क्या क्या है? बैग में कपड़ा है, मेरा टेंट है, बिस्तर है, टेंट भी है, है टेंट लगा लेते हैं। चाहूंगी आप थोड़ा बताइए, ये टेंट है ना, इसमें टेंट है। हाँ। दिखाएंगे आप लोग? दिखा दीजिए। हाँ, दिखा दीजिए। हमारे देश में अचंभों की कमी नहीं, आश्चर्य की कमी नहीं है। हमारे 63 साल के युवा खड़े हैं जो अपने पैरों से भारत के मानचित्र को नाप रहे हैं। गंगा जहां से शुरू होती है, जहां ख़त्म होती है, वहां तक ये पैदल जा रहे हैं और अपने साथ एक बड़ा सा बैग लेकर जा रहे हैं। उसमें क्या कुछ है वो मैं आपको दिखाती हूं और मैं आपको बताती हूं कि जब आप समाज में कुछ बदलना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ऐसी सोच और ऐसा जज्बा आपको झकझोर देगा। ये कैसे लगेगा? आपको लेट तो नहीं हो रहा? मैं परेशान तो नहीं कर रही आपको? नहीं नहीं, नहीं। आपको मैं परेशान तो नहीं कर रही? नहीं, नहीं, हाँ ठीक है, ये तो हमारा काम है। हाँ। अब आप आपने मुझे बताया और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, करीब 4.5 लाख लोग, उन तक ये आपका मैसेज पहुंच जाएगा, इसकी गारंटी मैं ले रही हूँ। अच्छा ठीक। तो इसलिए मैं थोड़ा ज्यादा समय आपका ले रही हूँ क्योंकि 4.5 लाख लोग समझना चाहते हैं आपको। ये मेरा टेंट है। इसको लगाएंगे क्या? टेंट लगाएंगे इधर? हाँ। एक आदमी चाहिए? एक आदमी चाहिए। भैया थोड़ा हेल्प कर देंगे प्लीज? देश की माटी पर गर्व है जो अपने कोख में ना जाने कितने बच्चों को पाल रही है, जो ना जाने कितने सपने सजो रहे हैं। गंगा को अपने पैर से नाप रहे हैं। गंगा जहाँ से शुरू हुई, जहाँ ख़त्म हुई, वहाँ तक ये पैदल जा रहे हैं। वाह, मतलब पता नहीं किसी ने ऐसा भी सोचा होगा या नहीं। मेरी ज़िंदगी में मैं पहली बार ऐसे एक शख्स को देख रही हूँ जो समाज को मैसेज देने के लिए पैदल चल रहे हैं और अब ये टेंट की तैयारी कर रहे हैं। अब आपको बताएंगे कि कैसे बंजारे वाली जिंदगी आज के आधुनिक समय में भी जी जाती है। भैया इससे पहले टेंट लगाए हैं कभी? हाँ लगाए हैं। लगाए हैं स्काउट का? अच्छा, स्काउट गाइड में। इस सर्द में जब आप अपने घरों में गर्म रजाई में होंगे, तब आपको ये 63 साल के युवा रोड पर पैदल चलते नजर आएंगे। अगर आप कभी अपनी बालकनी से या कभी किसी चौराहे पर इन्हें देखें, तो इनके जज्बे को सलाम करने के लिए इनसे बात जरूर करिएगा। ये अभी अपने टेंट की तैयारी कर रहे हैं। ये हमें बता रहे हैं कि ये रोड पर, पुलिस स्टेशन पर, बस स्टैंडों पर, रेलवे स्टेशनों पर कैसे रुकते हैं। ये मेरे लिए बड़ी रुचि की बात है, इसलिए मैं देख भी रही हूँ, आप तक भी पहुँचा रही हूँ कि देखिए। अभी तो आपको ये हेल्प कर रहे हैं, जब आप अकेले रहते हैं फिर कैसे करते हैं? बुला लेंगे आदमी। हाँ, लोगों की हेल्प मांग लेंगे। ये चलता फिरता घर है जिसको ये अपने बैग में मोड़ कर लेकर अपने साथ चलते हैं। बहुत बेहतरीन। 5 मिनट लगता है ये घर बनाने में। हम अपनी पूरी जिंदगी लगा कर एक घर तैयार करते हैं और ये घर ऐसे चुटकी में तैयार होता है 5 मिनट के अंदर। बहुत बेहतरीन। अब इसके अंदर हाँ, इसके अंदर बिस्तर बिछाते हैं, ऐसे सोते हैं? हाँ, बोलेंगे वो भी जो। फोम बिछा लेते हैं। ठीक ठीक, रहने दी, ना खोलिए, ज्यादा परेशान नहीं करेंगे। बहुत हाँ हाँ पता है, मैं भी की हूँ स्काउट गाइड भैया की तरह, और NCC हम लोग को भी ऐसे भेजा जाता था, तो हम लोग का भारी होता था टेंट, आपका काफी हल्का है।
ठंडी नहीं लगती है? ठंडी ठंडी नहीं लगती है इसमें? ठंडी नहीं दे, -10 डिग्री टेम्परेचर अच्छा कंट्रोल करता है ये तो। बहुत पतली प्लास्टिक है ये? ये पतली है लेकिन इसको ठंडा रोकने का कंट्रोल। फिर आप अंदर चले जाएंगे और यहाँ से इस चैन को बंद कर लेंगे। पहले ये बंद कर देगा। हाँ सफोकेशन होगा तो वो खोल देगा दोनों है। ये आपके घर में लग गई मच्छरदानी। हाँ। और फिर अगर इसके अलावा आप चाहें तो ये भी लगा सकता है, लेकिन ये से घुटन होगा, घुटन होता है ये लगाने पे ना। हाँ। बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। अरे घर वाले चिंता कर रहे हैं? हाँ वो हर रोज 3 बार फोन करता है। हाँ। सुबह दोपहर में और रात में। हाँ, पूछते हैं कहाँ तक पहुँचे। हाँ, कहाँ तक पहुँचे, क्या खाना है, कब स्टार्ट किया, कहाँ पहुँच गया। हाँ। घर पे फोन करके बात करेंगे अभी? हाँ करिए, मैं बात कर सकती हूँ ना। नाम नाम सुभद्रा। हेलो। हेलो नमस्ते, मेरा नाम पल्लवी है। आपको हिंदी आती है? थोड़ा थोड़ा आती है। थोड़ा थोड़ा आती है। मैं ये जानना चाह रही थी। हाँ? कि आप अपने पति को अकेले पैदल सुनसान रास्तों पे छोड़ दिया, आपको डर नहीं लगा? थोड़ा थोड़ा डर तो लगा पहले पहले। हाँ हाँ अभी नहीं लगता है। अब नहीं लगता? नहीं। मन से कहा है। हाँ किस बात, किस बात की? हाँ अभी अभी आपके जो पति हैं, हस्बैंड जो हैं, वो चंदौली आ चुके हैं। हाँ। और हम लोगों को दिख गए रोड पे, तो हमने उनसे बात की। फिर मेरा मन हुआ कि मैं एक बार आपसे पूछूं कि हाँ। आप क्या सोचती हैं घर में बैठे हुए कि मतलब रोड पे चल रहे हैं, कुछ भी घटना दुर्घटना कुछ भी हो सकता है, एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी, तो आप ऐसा सोचती हैं, डरती हैं कि एक हौसला है, पॉजिटिव सोच है? वो तो थोड़ा सा डरती हूँ क्योंकि पॉजिटिव सोच है इसलिए मन ठीक कर लिया है। हाँ सही बात है। हाँ। पॉजिटिव सोच बहुत ताकत देती है। हाँ। मैं मन से कुछ करूँ तो ठीक हो जाती है। हाँ। है ना इसलिए उसका हौसला बहुत स्ट्रॉन्ग है। कौन माउंटेन पे चढ़ा है? हमारा हस्बैंड। अच्छा अच्छा। हाँ। वो तो बहुत एक्सपीडिशन ट्रेकिंग बहुत किया है ना। अच्छा अच्छा इसलिए। आप लोग अच्छे से हैं? हाँ अच्छे से हैं। अच्छा बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और नमस्ते, मैं फोन दे रही हूँ ठीक है। हाँ। ये लीजिए। लोग चिंता नहीं कर रहे घर वाले? वो तो थोड़ा वो तो चिंता हो गई, शायद 3-4 महीना का प्रोग्राम है बड़ा, तो चिंता तो हो गई। अच्छा आप क्या अंदाजे लगा रहे हैं कौन से डेट में वहाँ पहुँच जाएंगे आप? जनवरी फर्स्ट वीक। आपका घर कहाँ है? बंगाल उत्तराखंड में है या उधर है? बंगाल में है, बंगाल हुगली डिस्ट्रिक्ट त्रिवेणी। अच्छा तो फिर उत्तराखंड कैसे पहुँचे? कोलकाता से ट्रेन से हरिद्वार। हाँ। हरिद्वार से भाई बस उत्तरकाशी, उत्तरकाशी से जीप लेके गंगोत्री। हाँ, गंगोत्री से गंगोत्री। बहुत बेहतरीन। हम में से न जाने कितने लोग समाज के बारे में सोच रहे होंगे, उसमें से भी बहुत से कम लोग ऐसी कोशिश कर रहे हैं। इनकी कोशिश ये है कि कम से कम जितने लोगों से मिल रहे हैं दिन भर में 1,000, 800, 500, 400, कभी कभी 200 या मान लीजिए 100 लोग में से भी अगर कोई दो इंसान इस बारे में सोचे कि हमारी प्रकृति के साथ हम कैसा खिलवाड़ कर रहे हैं, अपनी पृथ्वी के साथ कितना गंदा व्यवहार कर रहे हैं, कि आगे आने वाले समय में हम अपने बच्चों को ये नहीं बता पाएंगे कि प्रकृति कितनी खूबसूरत थी, ये हवा जो हम सांस में ले रहे हैं दिन प्रतिदिन हम इसे जहरीला बना रहे हैं, हम पॉलिथीन का जिस तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं वो सिर्फ हमारे लिए नहीं हमारे बच्चों के लिए भी खतरनाक है। इस मैसेज को लेकर इनकी उम्र के लोग
इस समय अपने घरों में सुरक्षित है। हमें और आपको मिलकर एक कोशिश करने की ज़रूरत है। आप बहुत बेहतरीन कोशिश कर रहे हैं। मुझे ये नहीं पता कि इसका रिजल्ट क्या निकलेगा, समाज कितना बदल पाएगा, लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो इसलिए भारत एक नई सोच आपको सलाम करता है, आपके जज्बे को सलाम करता है। हम सब में से न जाने कितने लोगों ने किताबों में महापुरुषों के बारे में पढ़ा सुना और ये सोचा कि न जाने उन लोगों के पास कितनी ताकत थी कि वो लोग समाज को बदलने के लिए अपने आप को इतना कष्ट देकर मेहनत कर रहे थे। आज इनको देखकर मैं ये सोच रही थी कि जब ये पैदल चलते होंगे तो क्या ये कभी निराश नहीं होते होंगे, कभी हताश नहीं होते होंगे, कभी परेशान नहीं होते होंगे। हम लोग घर में बैठकर टीवी देखते देखते परेशान हो जाते हैं, बोर होने लगते हैं। ये एक काम 2 महीने से कर रहे हैं, अभी बता रहे हैं कि जनवरी तक इन्हें पैदल जाना है न जाने कितने दूर, सिर्फ इसलिए कि आपको बता सके कि प्रकृति भगवान है, वरदान है, उसको बचाए रखिए। आपको ये कहानी, ये सच्चाई, ये हकीकत कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। ये इंसान है, इनके जज्बे को सलाम है। आप क्या सोच रहे हैं मुझे ज़रूर बताइए कमेंट बॉक्स में। नमस्कार, मैं पल्लवी राय, आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। और एक बार सड़कों को दिखा दीजिए, ये रोड थक नहीं रही है, ये रोड निरंतर चल रही है, इस पर गाड़ियाँ चल रही हैं, अपने स्पीड में चल रही हैं। इसी पर एक इंसान पैदल अपने दो पैरों से चल चल कर इस कोने से उस कोने जा रहा है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन पाइए सबसे पहले हमारे ऐप से। हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाइए और हमारे ऐप को इंस्टॉल करिए, क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है।